हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, क्लास 11 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जितनी भी रिएक्शंस है इस वीडियो में हम कवर करेंगे और मैं आपको एक एक रिएक्शन एक्सप्लेन करके समझाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में 500 लाइक का टारगेट रख रहे हैं। अगर 500 लाइक आ गए तो क्लास 12 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी सारी मैं एक्सप्लेन करूंगा एक वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस चैप्टर को हम कैसे कवर करेंगे। तो जो हाइड्रोकार्बन का चैप्टर दे रखा है क्लास 11th में, उसमें क्या क्या चीजें आपको समझानी है। उसमें एल्केन्स दे रखा है, ठीक है, एल्कीन्स दे रखा है और एल्काइन्स दे रखा है, और फिर लास्ट में क्या है, बेंजीन। तो हम इस चैप्टर में कैसे कवर करेंगे इस चैप्टर को, मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्केन्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर बाद में उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो सारी कवर करेंगे, फिर एल्कीन्स की प्रिपरेशन वाली रिएक्शन, फिर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली हम एल्काइन्स की करेंगे प्रिपरेशन, फिर केमिकल रिएक्शन, और लास्ट में बेंजीन की प्रिपरेशन की जितनी भी एनसीईआरटी में रिएक्शन है और उसमें क्या है जो केमिकल रिएक्शन है बेंजीन की, वो भी कवर करेंगे। तो हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चार पार्ट में पढ़ रहे हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स और बेंजीन्स। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एल्केन्स के बारे में, ठीक है। तो एल्केन्स की हम रिएक्शन देखते हैं। तो एल्केन्स की सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रिपरेशन वाली रिएक्शन। तो दोस्तों, जो एल्केन्स की सबसे पहली जो प्रिपरेशन रिएक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अब हाइड्रोजिनेशन इसका एक और नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटेलिटिक, कैटेलिटिक रिडक्शन। अब इस रिएक्शन में हमें करना क्या पड़ता है, हमें एल्केन्स लेना पड़ता है, ठीक है। ये जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एल्केन्स की, ये हम किससे प्रिपरेशन कर रहे हैं, एल्कीन से कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, एल्काइन से। तो ये हमारी पहली रिएक्शन है, किससे है, फ्रॉम एल्कीन्स और एल्काइन से। रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोजिनेशन, या फिर हम क्या बोलते हैं इसे, कैटेलिटिक रिडक्शन। अब इस रिएक्शन में हमें करना क्या पड़ता है, अगर आपके पास कोई भी एल्केन है, जैसे हम ए ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में आपने क्या करा, हाइड्रोजन लिखा, और आपको जो कैटलिस्ट यूज करना है यहां पे मेटल यूज करना है, पैलेडियम यूज करा आपने, प्लेटिनियम यूज करा, या फिर क्या करा, निकल यूज करा। अब देखो यहां पे हाइड्रोजन यूज कर रखा है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रिडक्शन पड़ा, और यहां पे कैटलिस्ट यूज हो रहा है मेटल, यहां पे फिर इसका नाम क्या हो गया, कैटेलिटिक रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन क्यों बोला हमने, हाइड्रोजन की वजह से, और यहाँ पे कैटलिस्ट यूज हो रहा है इसलिए क्या बोल रहे हैं, कैटेलिटिक रिडक्शन, और इसलिए क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है। तो एल्कीन में अगर आपने हाइड्रोजन डाला प्लेडियम, पैलेडियम, प्लेटिनियम या निकल की प्रेजेंस में, तो देखो आपको करना क्या है, ये जो हाइड्रोजन है जहां पे भी डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, वहां पे एक एक हाइड्रोजन देना है आपको, और ये जो डबल बॉन्ड है उसको क्या कर देना है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो CH2 है तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया ये होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें भी हम डाल देते हैं यही पैलेडियम, प्लेटिनियम और क्या डाल देते हैं, निकल डाल देते हैं। तो आपको इसमें भी यही करना है कि जो डबल बॉन्ड है वहां पे एक एक हाइड्रोजन आपको ऐड कर देना है, ठीक है। हाइड्रोजन की प्रेजेंस में आपको क्या डालना है, पैलेडियम, प्लेटिनियम और निकल। तो यहां पे जो डबल बॉन्ड है वहां पे सिंगल सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, ठीक है। ध्यान देना है आपको, जो हाइड्रोजन ऐड हो रही है वो कैसी हाइड्रोजन ऐड हो रही है, सिन एडिशन, ठीक है। आप देखोगे तो एक ही साइड पे हाइड्रोजन ऐड हुई है और इस एडिशन को हम क्या बोलते हैं, सिन एडिशन बोलते हैं। अब ठीक है, ये हमने पढ़ा है एल्कीन से कैसे हम एल्केन बनाएंगे, अब एल्काइन से भी कैसे बनाते हैं एल्केन्स, उस रिएक्शन का भी नाम क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन ही होता है। तो अब हम बनाते हैं एल्काइन से एल्केन्स। तो दोस्तों, एल्काइन से अगर आपको एल्केन बनाना है तो उसके लिए भी हाइड्रोजिनेशन ही वाला मेथड यूज होता है। तो देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। जैसे अगर आपके पास होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो आपको एल्केन बनाना है तो इसमें भी आपको हाइड्रोजिनेशन ही करना है, आपको हाइड्रोजन डालना है किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम, प्लेटिनियम या फिर क्या, निकल की प्रेजेंस में,
ओके दोस्तों, अब यहाँ पे करना क्या है, पिछले वाली जो रिएक्शन में आपने क्या करा था, एल्कीन में जब हाइड्रोजन डाला था तो एक एक बार हाइड्रोजन ऐड हो रही थी और डबल से क्या हो जा रहा था, सिंगल बॉन्ड। अब आपको क्या करना है, पहले एक एक बार हाइड्रोजन ऐड करना है, तो ट्रिपल से पहले क्या होगा, डबल बॉन्ड, फिर आपको एक और हाइड्रोजन ऐड करना है, फिर डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल। तो मतलब बनेगा क्या प्रोडक्ट, ये जो सी एच था यहाँ पे दो हाइड्रोजन और आ गए तो कितना हो गया, सी एच थ्री हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सी एच था और यहाँ पे दो हाइड्रोजन आए तो क्या बन गया, सी एस थ्री, और ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। ओके दोस्तों, तो ये है एल्काइन से अगर आपको एल्कीन बनाना है। तो अब हम देखते हैं सेकंड प्रिपरेशन की जो मेथड है एल्केन्स का वो क्या दे। ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा है एल्केन्स का प्रिपरेशन का, अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में जो हमें प्रिपरेशन करनी है वो किससे करनी है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, आपको पता होगा एल्काइल हैलाइड क्या होता है, RX होता है। ठीक है, इसमें मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको कैसे प्रिपरेशन करते हैं। जैसे मान लिया आपके पास होता है CH3Cl होता, और आपने क्या करा, इसमें हाइड्रोजन ऐड करा, किसकी प्रेजेंस में, जिंक प्लस में एक एसिड लेना है आपको, डाइल्यूट एसिड HCl। तो अब इस रिएक्शन में करना है क्या आपको, देखो सिंपली CH3Cl लिखा है, प्लस में हाइड्रोजन है तो आपको HH लिखना है हाइड्रोजन को, और यहां से क्या रिमूव करना है, HCl रिमूव कर देना है। तो आपको देखो बनेगा क्या, CH3 और H क्या बन जाएगा, CH4, और निकलेगा यहाँ HCl। तो जो बाय प्रोडक्ट निकलता है यहाँ पे क्या निकलेगा, HCl। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको इसका, जैसे मान लिया आपके पास होता है CH3CH2Br। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या है, R है, एल्काइल है, और ये हेलोजन है, तो ये क्या बन गया, RX बन गया। तो आपको हाइड्रोजन डालना है सिंपली, किसके प्रेजेंस में डालना है, जिंक प्लस में डाइल्यूट एसिड लेना है एक HCl। ठीक है, तो अभी आप करना क्या है, सिर्फ यही जो लिखा हुआ है CH3CH2Br जो एल्काइल है, एल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है, ये HH लिखा आपने, और यहां से क्या निकालना है आपको, HBr निकालना है। तो बनेगा क्या, CH3 बनेगा CH2, और यहाँ पे HBr निकल के H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकला, HBr, ये बाय प्रोडक्ट निकला, और ये आपका एल्केन बन गया। तो एल्काइल हैलाइड से हम एल्केन को ऐसे बना सकते हैं। इसी में एक और मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो वुड्स रिएक्शन से जरूर आता है। तो ये जो सेकंड था इसमें हमने ए पार्ट देखा किससे, एल्काइल हैलाइड से बनाना, अब बी पार्ट देखते हैं हम वुड्स रिएक्शन से कैसे बना सकते हैं। तो वुड्स रिएक्शन में आपको करना क्या है, आपको सिंपली कोई एल्काइल हैलाइड लेना है। ठीक है, प्लस में क्या लेना है आपको, सोडियम लेना है, किसकी प्रेजेंस में लेना है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। दो मॉलिक्यूल लेने हैं आपको एल्काइल हैलाइड के, और दो मॉलिक्यूल किसके लेने हैं, सोडियम के, बैलेंस करने के लिए। ऑर्गेनिक रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे जो कोफिशियंट लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिख दिया। तो आपको करना क्या है, सिंपली जैसे मान लिया आपने लिखा RX, ठीक है, बीच में लिख दिया आपने सोडियम, ठीक है, दो RX लिया है तो आपने एक उल्टा करके लिख दो यहाँ पे। अब यहां से निकालना है क्या आपको, NX निकाल देना है और RR जुड़ जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर आपने RX लिया है कोई एल्काइल हैलाइड, ठीक है, तो उससे बनेगा क्या, RR बन जाएगा, और प्लस में देखो क्या निकल रहा है यहाँ पे, NX निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे दो सोडियम थे और दो एल्काइल हैलाइड थे। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लिया आपके पास होता है CH3Cl, प्लस में आप लिखते हैं सोडियम, किसके प्रेजेंस में लिखते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो दो मॉलिक्यूल लेने थे आपको इसके, दो मॉलिक्यूल किसके लेने हैं, सोडियम के। ठीक है, तो CH3Cl लिखोगे आप, प्लस में सोडियम लिख दोगे बीच में, ठीक है, फिर प्लस क्या लिखोगे, एक जो सी, ये जो CH3Cl है इसको उल्टा करके लिखोगे, और यहां से क्या निकालोगे, NaCl निकाल दोगे। तो यहां पे बन क्या जाएगा, देखो CH3CH3 एल्केन बन जाएगा, और निकल क्या जाएगा यहां से, NaCl निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वुड्स रिएक्शन आपको जो पता होना चाहिए, वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, डाइमराइजेशन हो रहा है। ठीक है, आप एक कार्बन वाला ले रहे हो उससे डबल बन जाता है, तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, डाइमराइजेशन होता है। दूसरी बात, वुड्स रिएक्शन जो है वो सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन के लिए यूजफुल है। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन्स का मतलब है जैसे अगर आप मान लिया बीच में से इस बॉन्ड को तोड़ देते हो, तो आप देखो इधर वाला और इधर वाला जो एल्काइल ग्रुप है वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक
ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, डाइमराइजेशन होता है, सिमेट्रिकल एल्केन के लिए बनाते हैं। और तीसरी बात आपको एक चीज याद रखनी है कि CH4 इससे हम नहीं बना सकते। क्यों ये बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है डाइमराइजेशन होता है, और डाइमराइजेशन जब भी होएगा तो एक से ज्यादा कार्बन वाला एल्केन बनेगा। तो ये थी वुड्स रिएक्शन जो पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। अब हम थर्ड मेथड देखते हैं एल्केन्स को प्रिपेयर करने का। तो जो थर्ड मेथड है वो हम किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो आपको पता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो क्या होता है, RCOH है, ठीक है। हमें इस रिएक्शन में जो है पहला मेथड जो है वो क्या लेना है, डी कार्बो ऑक्सीलेशन, ठीक है, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। अब डी कार्बो ऑक्सीलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। CO2 मॉलिक्यूल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम क्या लेते हैं, सोल्ट लेते हैं। डी कार्बो ऑक्सीलेशन रिएक्शन हम समझ रहे हैं कि एल्केन को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं डी कार्बो ऑक्सीलेशन से। तो हम क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट लेते हैं। तो आपको सिंपली क्या लिखना है, RCONA लिखना है, ठीक है। ये एसिड है, इसमें बेस मिला दो कोई तो सोल्ट बन जाएगा। तो हमने ले लिया RCONA लिया, प्लस में यहाँ पे क्या लेते हैं, सोडा लाइम लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लेते हैं, NaOH लेते हैं, ठीक है, प्लस में क्या लेते हैं, CaO। अब देखो ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, क्विक लाइम, ठीक है। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। कैसे आया सोडा लाइम वर्ड, देखो इसको बोल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहां से सोडा वर्ड यूज करा। इसको क्या बोल रहे हैं, क्विक लाइम, तो क्विक लाइम का क्या ले लिया हमने, लाइम ले लिया। तो इन दोनों के जो मिक्सचर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सोडा लाइम। तो आपको करना क्या है, डी कार्बो ऑक्सीलेशन में ये लेना है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सोल्ट, प्लस में आपको क्या डालना है, सोडा लाइम का मिक्सचर, और थोड़ा क्या कर देना है, गर्म कर देना है। तो यहां से देखो रिएक्शन कैसे याद रखनी है आपको, यहां से जो NaO है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और यहां से जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट था CO से, ये सारा निकाल देना है आपको। तो यहां पे देखो R बचेगा और यहां पे क्या बचेगा, H बचेगा। तो आपको जोड़ के लिख देना है RH, ठीक है। तो ये एल्केन बन गया आपका। और प्लस में देखो क्या निकल रहा है, Na, कितना हो गया, Na2 हो गया, और यहां पे क्या बचा देखो, CO3। तो ये क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया हमारे पास होता CH3COONA होता, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या डाल दें, सोडा लाइम डाल दें, मान लिया NaOH डाल दिया, प्लस में क्या डाला, CaO क्विक लाइम डाल दिया, ठीक है। और इनको क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो अब क्या बनेगा, आपको पता है, मैंने ट्रिक बताई, ये NaO है, यहां से निकाल दो, प्लस में CH3 और H जुड़ के क्या बना देगा, मिथेन बना देगा, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गया, Na2CO3 जो था सोडियम कार्बोनेट वो क्या बन गया, बाय प्रोडक्ट। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो डी कार्बो ऑक्सीलेशन में हो क्या रहा है, अगर आपको एक कार्बन वाला एल्केन बनाना है तो दो कार्बन वाला आपको क्या लेना पड़ रहा है, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि तीन कार्बन वाला मतलब प्रोपेन बनाना है आपको, तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कितने कार्बन वाला लेना पड़ेगा, तो देखो एक ज्यादा वाला लेना पड़ रहा है, तो यहाँ पे चार कार्बन वाला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या लेना पड़ेगा, सोल्ट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड में जो प्रिपरेशन थी एल्केन की, वो सबसे पहला जो मेथड था वो यही था डी कार्बो ऑक्सीलेशन। और इसमें एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं कोलबेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब हम देखते हैं उससे कैसे हम एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं।